सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेकटॉक्स की ग्रुप एपिसोड में और लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। चलिए शुरू करते हैं। तो करते हैं शुरुआत सबसे पहले पुराने पोल से। दोस्तों सवाल ये था कि क्या बेंचमार्क्स में बिलीव करते हैं आप में से। 58% ने बोला हाँ जी हाँ और 42% बोलते हैं कि नहीं भाई हमें कोई फर्क नहीं पड़ता बेंचमार्क स्कोर्स वगैरह से। यहाँ पर दोस्तों भी ऐसे में आज का सवाल आपके लिए ये है कि Xiaomi का अगर फोल्डिंग फोन दोस्तों इंडिया में आता है 1,20,000-25,000 रुपए की प्राइस रेंज में, तो क्या आप उस फोन को लेना पसंद करेंगे? बताना जरूर क्या है आपका जवाब सीधा पोल सेक्शन में जाते हुए, नीचे कमेंट करते हुए, और हमेशा हर बार की तरह पूरी ताकत से बस सीधा दबा डालिए वीडियो में लाइक बटन को। यहां पर दोस्तों बात करते हैं पहले अपडेट को लेके, निकल के आता है ओप्पो रेनो 6 को लेके। अब दोस्तों जस्ट आया ही था रेनो 5 लाइनअप, लेकिन अभी दोस्तों बात कर रहे हैं रेनो 6 की। और यहां पर दोस्तों ये लीक हुआ है डायमेंसिटी 1200 चिपसेट के साथ में। लेट्स सी कि ओप्पो अपने इसी नए रेनो 6 लाइनअप को कब तक लॉन्च करता है। यहां पर दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है हमारे पास में रियलमी जीटी नियो को लेके। ये दोस्तों लॉन्च कर दिया गया है जहां पे है डायमेंसिटी 1200 प्रोसेसर, साथ दोस्तों यहां पे हमारे पास में 120 हर्ट्ज का AMOLED स्क्रीन है। और यार काफी एक इंटरेस्टिंग सा पैकेज दोस्तों बनाया है यहां पे इसी Realme GT Neo को, जो कीमत है वो करीब करीब आप ये मानो कि 19,000-20,000 रुपए के प्राइस रेंज में आ रहा है ये फोन। तो यार बड़ा सॉलिड लगता है, देखते हैं कि ये चीज आखिर हम इंडिया में कब तक देख पाते हैं। अगला उस तो अपडेट निकल के आता है हमारे पास में यहां पे Xiaomi को लेके, और Xiaomi ने इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर लॉन्च कर दिया है 5 लीटर वाला कुछ 4,000 रुपए का, बड़ा सही काम है। अगला दोस्तों अपडेट निकल के आता है हमारे पास में Hyundai को लेके, और यहाँ पर दोस्तों Hyundai इमेजिन करता है यार फ्यूचर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कैसे होंगे। मतलब हम आपसे बात दूसरों करते हैं ना आपस में सेल्फ ड्राइविंग गाड़ियों वगैरह की, तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि यार मतलब जो गाड़ी है वो ऐसे साइडवेज चल सकती है पार्किंग वार्किंग करने के लिए, मतलब ऐसे किसी केकड़े की तरह साइड मोशन के बाद में गाड़ी पार्क हो सकती है। सोचो यार फ्यूचर में हम क्या क्या चीजें देखने वाले हैं। अगला अपडेट निकल के आता है हमारे पास में इंस्टाग्राम को लेकर, और ऐसे दोस्तों इंस्टाग्राम में काफी लोगों को कल मुसीबत का सामना करना पड़ा जब उनको ये पता चला कि यार इंस्टाग्राम डाउन है, इंस्टाग्राम ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो अभी ऐसे में जो है वो फिलहाल ऑल इज वेल। क्या आपने भी इंस्टाग्राम का डाउन होना महसूस किया था क्या, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगला दोस्तों अपडेट निकल के आता है यहाँ पे भैया सिस्टम अपडेट को लेके, सिस्टम अपडेट बिल्कुल मत करना दोस्तों। यहाँ पे एक नया मैलवेयर आया है सिस्टम अपडेट के नाम का, जो आपको आपके फोन में दिखेगा लगता है कि भैया सिस्टम अपडेट करने के लिए आया है ये, लेकिन वो सिस्टम अपडेट नहीं है, वो एक मैलवेयर है। और यहाँ पे दोस्तों वो आपका डेटा वगैरह चुरा लेगा। तो अगर आपको कोई ऐसा मैलवेयर दिखे दोस्तों जो कि खुद को ना ऐसे पोज करता है कि हम तो सिस्टम अपडेट वाले हैं, भैया पहले उसी को निकाल के फेंको वरना पता चला अपडेट अपडेट कुछ नहीं हुआ फोन के अंदर, जो है वो हालत खराब हो गई फोन की। अगला दोस्तों अपडेट निकल के आता है हमारे पास में एप्पल के WWDC को लेके। यहाँ पर दोस्तों 2021 वाला जो इवेंट है वो होने वाला है वर्चुअल अगेन इस बार एक बार वापस से, और यहाँ पर दोस्तों ये होने वाला है 7 जून को। तो यार काफी सही बात है, देखते हैं कि नया नया क्या क्या सॉफ्टवेयर और क्या क्या हार्डवेयर हम देख पाते हैं एप्पल की तरफ से। यहाँ दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है हमारे पास में Xiaomi को लेके, और यहाँ पर दोस्तों Xiaomi लेके आ गए अपनी एक नई विजुअल आइडेंटिटी जहां पर लोगो नया चेंज कर लिया है, थोड़ा सा कर्व कर्व सा हो गया है जो मतलब एक स्पेशल जैसे हमारे फोन में उसमें ना वन यू आई वाले जो आइकन्स हैं कुछ कुछ वैसा दिखने को मिल रहा है। लोगो जो है वो थोड़ी स्टाइल बदल ली है अभी फिलहाल यहाँ पे Xiaomi ने। अगला दोस्तों अपडेट निकल के आता है यहाँ पे Samsung TV Plus को लेके। ये दोस्तों अभी इंडिया में आ गया है जहाँ पे आप सेलेक्टेड फ्री TV चैनल्स देख सकते हैं लाइव अपने Samsung TV या फिर अपने गैलेक्सी डिवाइस पे। और यहाँ पे दोस्तों बिना किसी केबल कनेक्शन के आप ये काम कर पाएंगे। 2017 के बाद के Samsung TV के मॉडल सपोर्टेड हैं, और यहाँ पे दोस्तों जो गैलेक्सी स्मार्टफोन्स हैं आपके पास में उनमें भी आप देख पाएंगे काम अप्रैल के महीने से। आपकी मतलब एक इंटरेस्टिंग लिस्ट है, अच्छी बात है यार कि बिना पैसे के अगर हमको मिल रहा है यहाँ पे लाइव टीवी का मजा कुछ कुछ सेलेक्टेड देखने के लिए, तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। अगला उस तो अपडेट निकल के आता है यहाँ पे हमारे पास में Xiaomi Mi Mix Fold को लेके। ये दोस्तों आ गया है Snapdragon 888 के साथ में, जहाँ पे लगी है 5020 mAh की बैटरी, साथ में दोस्तों यहाँ पे 67 watts की फास्ट चार्जिंग भी है, लिक्विड लेंस भी है, और अगेन दोस्तों यहाँ पे हमारे पास में अगेन ड्यूअल डिस्प्लेज हैं बाहर और अंदर, और ये काफी तक जो गैलेक्सी Z Fold 2 है इससे रिजेंबल करता है। और यहां पर दोस्तों कीमत है शुरुआती वो है करीब 1,10,000 के आसपास। अगर ये इंडिया में आता है तो 1,20 तक आ सकता है वैसे, लेकिन क्या आपको लगता है कि इंडिया में ये हिट हो पाएगा 1,20 की कीमत पे?
मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन वैसे फ्यूचर में डेफिनेटली फोल्डिंग फोन्स हम बहुत सारे ब्रांड्स की तरफ से देखने वाले हैं। अगला उस तो अपडेट निकल के आता है यहाँ पे गूगल को लेके, और यहाँ पे एक स्टडी के हिसाब से भैया अगर आप कंपेयर करते हैं गूगल और एप्पल को, तो गूगल जो है वो 20 गुना ज्यादा डेटा कलेक्ट करता है एप्पल के कंपेरिजन में। क्या आप अपनी प्राइवेसी को लेकर कभी कभी ऐसे घबरा जाते हैं क्या? मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। यहाँ पर दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है काफी कमाल गुड न्यूज को लेके, जहां पे भैया पबजी मोबाइल इंडिया को लेके अभी टाइमलाइंस दोस्तों निकल के आ रही हैं, और ऐसे में आइडिया लगाया जा रहा है कि कब तक हम देख पाएंगे इंडिया में पबजी मोबाइल इंडिया को लॉन्च होते हुए। तो यहाँ पर दोस्तों ये काम अराउंड मई के महीने में हो सकता है, अप्रैल एंड या मई के अराउंड दोस्तों यहाँ पे टाइमलाइंस निकल के आ रही हैं। तो यार बस अभी कुछ ही दिनों की इंतजार की बात और है, उसके बाद में फिर हम देखेंगे सीधा इंडिया में ऑफिशियली पबजी मोबाइल इंडिया को। लगता तो खैर ऐसा ही है, वैसे आपके हिसाब से करेक्ट केस क्या है वीडियो को लाइक करते हुए मुझे नीचे कॉमेंट करते हुए जरूर बताना। अगला उस अपडेट निकल के आता है यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी S20 FE 5G को लेके, ये दोस्तों फोन इंडिया में लॉन्च कर दिया है सैमसंग ने। और यहाँ पे दोस्तों जो फोन है इसकी जो ऑफिशियल प्राइस है वो तो 55,999 रुपये है, लेकिन अब दोस्तों यहाँ पे आपको इंट्रोडक्टरी ऑफर्स के चलते इसकी जो इफेक्टिव प्राइस मिलने वाली है वो है 47,999। और ऐसे में यार 47,999 जो कीमत दोस्तों है इंस्टेंट कैशबैक के बाद में, मेरे ख्याल से S20 FE 5G के लिए एक बहुत ही सॉलिड प्राइस है। अगला दोस्तों अपडेट निकल के आता है लास्ट यहाँ पे बाइट डांस को लेके, दोस्तों टिकटॉक की पेरेंट कंपनी थी है बाइट डांस, दोस्तों जो इंडिया में ऑपरेट कर रही थी, तो अभी यहाँ पे कुछ इंडियन अकाउंट्स को ब्लॉक किया गया है, और यहाँ पे दोस्तों टैक्स इवेजन की बातें चल रही हैं, तो उन पे आरोप लग रहे हैं। अभी ऐसे में देखते हैं कि क्या हमको पूरी कहानी देखने को मिलती है बाइट डांस के बारे में इंडिया में, और टिकटॉक का तो क्या भविष्य अभी लगता नहीं इंडिया में आना है, लेकिन हाँ बाइट डांस के जो बैंक अकाउंट्स को फिलहाल अभी जो ब्लॉक किया गया है, लेट सी उसका पूरा अपडेट हमको क्या मिलता है। दोस्तों बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई और सवाल सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक या शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोज लेके आता रहता हूँ। दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।